पता नहीं यार, आज मेरी वाइफ को कैसे मेरे पे तरस आ गया और यकीन मानो हम फाइनली आ गए। थोड़ा एक और जरूरी बात यार, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, वीडियो स्किप कर देते हो, इतना लंबा जब व्लॉग बनता है तो उसको पूरा देखा करें। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आरपी। तो आज का कुछ ऐसा सीन है कि हम लोग आए हमें कुछ पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे पे तरस आ गया इनको एकदम से। हम लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ के कहाँ आ गए, फाइनली हम आ गए हैं केएफसी। खैर अभी अंदर चलते हैं तो भाभी से मिलते हैं और आपके साथ आज करेंगे तफरी। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं किया, अगर इतने प्यार से इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाते हैं और आप लोग स्किप कर देते फिर मज़ा नहीं आता। एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी आप लोगों ने, और पूरा इन्जॉय करना है व्लॉग को। चले अंदर, चलो बेगम साहिबा आप खोलो ना, नहीं खुलेगा अच्छा। सो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, जैसे आता फिर चलते हैं। सो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। अच्छा, सो फाइनली हमारा जो ना ऑर्डर आ चुका है, कितने टाइम बाद खड़ा हूँ पता है, आधा घंटा खड़ा हुआ पूरा। और एक और स्पेशल चीज़ है इस बारी, इसमें क्या होगा तुम्हें तो पता है क्या है, खोलो इसको। क्या है इस बारी, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा, पता नहीं पहले मैंने कभी नहीं देखी, ये देखो मज़ेदार चाय। तो अभी फिलहाल हम ये खाना वाना खाते हैं। तो पता नहीं यार, आज मेरी वाइफ को कैसे मेरे पे तरस आ गया और यकीन मानो हम फाइनली आ गए उस बाबे को देखने के लिए। इस बाबा बाबा कहाँ है, बाबा तो यहाँ है ही नहीं है। मुझे तो ये लड़का जब से मिला वैसे की सुनती, पता नहीं इसे क्यों नहीं लगता। अपनी मन पसंद के इन्होंने खाने मंगाए, मैं एक दफा बोलती हूँ यार के एफ सी जाना, उस दिन मुझे कहीं और लगे मैक्रोनी लेने, उस दिन मैंने बोला के एफ सी जाना फिर मैक्रोनी लेने, इनके मैक्रोनी नहीं खत्म होते, मेरे को के एफ सी का मीट बहुत पसंद है। बाबा खाओ खुशी से यार, राम राम से साथ में खा सकता आराम आराम। तो खैर इस बार हमने चाय मंगवाई, बहुत इंटरेस्टेड सी चीज़ मेरी, वैसे है थी पहली चाय थी, पहले कभी मिलती थी यहाँ पे चाय, ये भी देखो कि ऐसी ने भाई चाय भी निकाल दी, जो लोग चाय के शकीन उनको पता ना हम जैसे लोग खाने के बाद पर से चाय। तो अभी खैर हम खाना फिनिश करते हैं उसके बाद मिलते हैं। बस हमने फाइनली ब्रोस्ट खा लिए, तरस गया था मैं ब्रोस्ट खाने के लिए, पता है कितने महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए मैं ब्रोस्ट खाए नहीं, और अभी खाएँ तो बस एंड है बस केएफसी के ब्रोस्ट यार। तो अभी हम जो ना यहाँ की केएफसी की चाय आपको रिव्यू नहीं देते कैसा है, क्या टेस्ट है इसका, तो केएफसी की चाय भी इस बार पी के देखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये पहले आई है नहीं, लेकिन मैं अभी देखी है, आप बताओ कैसे देखी कभी नहीं, तो बस ये ट्राई करके देखते हैं। सही है, मीन्स के जैसे आप हॉस्पिटल और स्टेशन की चाय से तो बेहतर रही है, लेकिन सही बोल रहा हूँ हॉस्पिटल की चाय क्या नहीं, नॉर्मल है बस टेस्ट, पाउडर वाली है ना, मिल्क वाली नहीं, ट्राई करो आप भी। है ना, सही है, नॉर्मल टेस्ट है बस, ज़्यादा ये भी नहीं है कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब चले जी हमने खाना भी खा लिया और चाय का जो ना लगा लें हिसाब, जैसे 10 हो। तो आज हमारा प्लान था मेरे पास रुकने का, फिर मम्मी बोलते कि ना तुम तो सैटरडे नाइट है ना, मेरी छुट्टी भी होगी, मैं सुबह ड्यूटी पे चले जाऊँगी फिर क्या फ़ायदा। तो हमने फिर सोचा कि चलो यहाँ तो सुबह चले आएंगे, डायरेक्टली घर ही जाएंगे उठ के ना, कल जाएंगे हम सुबह चले जाऊंगी वहाँ से, थोड़ा खाना वाना करके फिर हम एक काम में सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह उठ जाएंगे 10-11 बजे तक उठ जाएंगे क्योंकि दुकानें भी उस टाइम खुलती हैं। तो चलो अभी फ़िलहाल हम घर चलते हैं, घर के हालात देखते हैं क्या बने हुए, और घर में एक मसला हुआ है, दुआ करो वो सॉल्व हो जाए हमारा। लाइट नहीं आ रही यार, ये बड़ा मसला हो रहा है, तो बस वो लाइट आ जाए। हम लोग मुंबई घर पे आए थे, लेकिन अब देखो अभी घर जाते हैं आई है नहीं लाइट। ये बर्गर बच गए थे हमारे ना, तो ये हमने करवा लिया टेक वे, हम अपनी फरारी स्टार्ट करके सीधा आपसे घर जाके मिलते हैं, आज हालात सेट नहीं और कहीं फ़ोन निकालना भी नहीं। चले, जिस बात का डरता होगा वही आखिरकार हम लोग जो है ना भाभी के घर पे आ गए, भाभी की मम्मा के घर पे आ गए, क्योंकि हमारी लाइट ही नहीं आई अभी तक, उस वाली साइड की पूरी गई हुई है, तो हो सकता है आ जाए। मैं ये दुआ करूँ जल्दी से जल्दी लाइट आ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुबह फिर मैं जल्दी उठी थी, किचन विचन थोड़ा साफ किया मैंने। अच्छा, किचन मैं ये आप लोगों का मामला है कि आप लोग के लगे रहो, मैं अपने ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत लड़ते हैं। मैं आपको वहां से देख रही थी। अच्छा सही है, हाँ तो फाइनली हम लोग तो अभी इधर ही रुकेंगे और देख के लाइट आती है नहीं, जब तक नहीं आती तो फिर अभी यहाँ पे पता क्या करेंगे हम, चाय पानी, ओए चाय देखो किसमें बनाने लगे हो, वो फ्राई पैन में चाय बनाने लगे हैं, इधर देख ओमी, वो देख फ्राई पैन में कौन बना रहा चाय, ये सारे काम है।
ये देखो सर फ्राई पैन में कौन चाय बनाता है, ये पतीली है बाजी, सर फ्राई पैन में चाय रखी है पानी इतना डालती है ये मैं ही बोला ये क्या है सर हाँ मैं समझ पता नहीं कुछ सालन मतलब पड़ा हुआ देखो आगे तो बस वो पड़ा हुआ फ्राई पैन, अरे यार क्या कर दे। तो अभी सर्दियों में यही कुछ होता है बस, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा मैं चाय पीता हूँ, मैं बोलूँ सर्दियों में बेस्ट रहता है चाय तो पीनी भी चाहिए ऐसा नहीं। बाजी गैस बेचारा मर मर के आ रहा है, गैस को छोड़ो ये कैटल निकालो, कैटल में बना लो चाय, वो बच्चे क्या तो कोई बात नहीं फिर वॉश कर लेंगे। ये क्या है अंडे लगाए हुए, अच्छा वो चिपकली की वैसे शायद बोलते हैं ये जब लगाओ तो चिपकली नहीं आती, तो मैं सोच रहा था हमारे किचन में ना ऐसे हो ताकि जो भी धुआं वगैरह हो अब्सॉर्ब के जरिए बाहर निकल जाए, लेकिन अभी यार अब्सॉर्ब की जरूरत नहीं हमारे, वैसे जालियां हाँ, लेकिन जालियां लगी उधर से मिट्टी कितनी आती है ये भी तो देखो, तो डोर पे घर है बेटा जी, ये भी तो डस्ट बहुत आती है, मैं खाली इस चीज पे बड़ा परेशान हूँ, उसके ऊपर ना प्लास्टिक लगा दूंगा जालियों के ऊपर, क्या बोलते हो, अरे मिट्टी नहीं आएगी डस्ट नहीं आएगी यार वहाँ बहुत डस्ट आती है, अब बर्तन धोगे रखो अगले दिन आपको मिट्टी से भरे हुए मिलेंगे ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ना वो है क्या इसको बोलते हैं, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक माइक चेक, आवाज आ रही है हेलो हेलो। तो यहाँ पे ना माइक चेक माइक चेक होगा, क्या हुई थी हाँ आपकी बर्थडे, पोमी की बर्थडे ना इस वाले रूम में थी, खैर इसकी तो हालत इतनी खराब है, यहाँ बल्ब भी नहीं लगा हुआ यार, बल्ब तो लगाओ, वो देखे एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक बल्ब होता तो हम लोग यहाँ पे लेट जाते आराम से सो जाते, नहीं लगा लेते क्या बल्ब लग जाएगा, कौन सा वाला, अगर लग जाएगा तो यहाँ पे जमीन साफ है तो फिर उस हिसाब से लेट जाएंगे, नहीं तो हाँ तो फिर देखते हैं भी यार क्योंकि परेशानी बन गई। मैं तो मम्मा के घर पे सोने गया था तो मम्मा ने फिर घर से बाद में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है तो नहीं जगह का नहीं होता, मम्मा बोलती कि मैं नहीं हूँ, अगर मेरी कल छुट्टी है तो फिर आराम से हम लोग एक जगह सोते हैं, अभी मेरी ऑफ नहीं है क्योंकि मम्मा ने सैटरडे को होना, तो हमने बोला चलो लाइट आ गई होगी चलते, अब यहाँ पर आए तो लाइट नहीं, अब वापस जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, वो लोग परेशान हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि सुबह ना मेथी वाली रोटी बनाओ, आपको पसंद है मेथी वाली रोटी है सर, आज फिर मैंने कुकिंग करने का दिल करता है, बस किचन विचन हम लोग सेट करेंगे, कल लेकर आएंगे चीज़ें बाहर का ना दिल करता है, लेकिन अब दिल करता है कुछ चीज़ें जो हमारी फेवरेट है बस वो खाएं बाहर, अदरवाइज इसके अलावा जो ना अभी होता कि नहीं घर पर बने तो सही है क्योंकि बाहर नहीं निकला जाता, अब सर्दी हो रही है ऐसा ऐसा, अच्छा कुछ हेयर फॉल का कोई सलूशन हो ना कोई टिप वगैरह तो जरूर बताना, उनका हेयर फॉल बहुत रहता है, शैम्पू भी अच्छा यूज करते हैं, वो जो हम लाए थे ना कंडीशनर वो बहुत अच्छा था, वो याद है जो मैं बॉक्स लाया था एक दफा हमने 1500 रुपए का लिया था याद है, अच्छा अच्छा वो था हेयर मार्क्स था हाँ वो बहुत जबरदस्त था, वो वहीं से मिलेगा फिर जिसका नाम नहीं है, और फिर लास्ट टाइम अच्छा मेरे पीछे के बाल ना ये देखो कितने अच्छे हैं, ये वाले बिल्कुल सही है, खाली ये वाले जो ना खराब हुए हैं, ये वाले क्यों खराब हुए इसकी वजह ये है कि मेरे को जो ना कलर मैंने किया था बहुत टाइम पहले आज से 2 साल पहले मेरी भाभी ने कलर किया था मेरा ना, तो वो क्या हुआ वो उन्होंने जो ना 14 वॉल्यूम 2 दफा यूज किया कलर नहीं चढ़ा, जो सा मैं कलर चाह रहा था ना एश ग्रे कलर था, 1 टाइम में 20 वॉल्यूम का था एक दफा मारी, उन्होंने बोला नहीं वैसा कलर ही नहीं आया क्योंकि वर्जिन हेयर थे ना मेरे, फिर उन्होंने सेकंड टाइम किया, सेकंड टाइम किया ना उन्होंने जब मेरे, तो ये सारे बाल देख लो जड़ों से खराब हो गए थे, ऐसा अभी एक काम करो वो भाभी को मेरे पास लेके अब उनका मैं कलर करती बदला लेते हैं भाभी छोड़ेंगे नहीं आपको, आपने मेरी जो ना सारी जिंदगी भर के ये बाल खराब कर दिए लेकिन कोई नहीं हम सेट कर लेंगे, ऑप्शन है हमारे पास कुछ ना कुछ। हाँ तो व्यूअर्स ये ना हो कि व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, तो बस आज का ये वाला व्लॉग हमारा यहीं तक, तो उम्मीद कर तो बहुत पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, और हाँ एक और जरूरी बात यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, इतना लंबा जब व्लॉग बनता है तो उसको पूरा देखा करें, इनफैक्ट मैं भी किसी की वीडियो देखता हूँ किसी की भी देखता हूँ तो उसको शुरू से लेकर एंड तक देखता हूँ क्योंकि फिर पूरी वीडियो की समझ आती है, फिर ऐसा स्किप कर देते ना एक सेकंड भी कर देता था, एक दफा कर दिया था तो किसी ने कुछ बोला था हमें समझ नहीं आया, तो किसी ने बोला ये चीज़ इसने वीडियो में बोली, हमने बोला नहीं बोली क्योंकि हमने स्किप कर दिया, तो हमें नहीं पता कि वो बोल वो यहाँ पर था, तो ऐसे होता है कि कभी कभी आपको शायद ऐसे लगता है कि हम लोग कहीं गलती कर जाते हैं जिसको आप स्किप कर जाते हो, अब लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है, तो बस मिलते हैं आपसे कल अच्छे के वीडियो के साथ, बाय बाय।